हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इंट्राडे और इन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस को समझा था और हमने ये भी देखा था कि दोनों में से बेटर कौन सा है। स्टॉक और म्यूचुअल फंड में आपके लिए कौन सा अच्छा होगा और इंट्राडे और इन्वेस्टिंग में कौन सा बेटर ऑप्शन है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और इन्वेस्टिंग ऑप्शन के बारे में जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है रिटर्न्स के लिए। इस ऑप्शन में आपको सिर्फ 15,000 के आसपास इन्वेस्ट करना होता है और अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छी लगाई तो आप इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिंग ऑप्शन है IPO का, जी हाँ, जिसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब समझते हैं IPO होता क्या है। जब कोई भी कंपनी पब्लिक के पास से अपना पैसा उठाती है, पब्लिक के पास से कैपिटल रेज करती है, तो उस ऑफरिंग को कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग, जिसे हम कहते हैं IPO। अब देखते हैं कि IPO में इन्वेस्ट कौन कर सकता है। IPO में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है जिसके पास एक डीमैट अकाउंट है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 15,000 के आसपास होता है, 14,500 से 15,000 के बीच। जब भी बात आती है IPO में इन्वेस्ट करने के, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स होते हैं। पहली कैटेगरी में वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते ही बेच देते हैं और अपना प्रॉफिट कमा के निकल जाते हैं। अब दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के शेयर को होल्ड करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम ये समझते हैं कि दोनों कैटेगरीज के इन्वेस्टर्स में डिफरेंस क्या है। जब कोई इन्वेस्टर IPO के शेयर्स को लिस्ट होते ही बेच देता है तो उसे इन्वेस्टिंग नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं स्पेक्यूलेशंस। वो प्राइस पर स्पेक्यूलेट करता है। स्पेक्यूलेशन को हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। जब भी हम स्पेक्यूलेशन करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, शेयर की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी। जब इस शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो हम इस शेयर को बेचेंगे। नॉर्मली कैटेगरी 1 के इन्वेस्टर यही करते हैं। जब कंपनी के IPO का शेयर का भाव बढ़ता है तो उसके प्रॉफिट को बुक करके वो बाहर निकल जाते हैं, वो IPO के शेयर्स को बेच देते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेक्यूलेशंस। अब हम समझते हैं दूसरे टाइप को। दूसरे टाइप के शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी के IPO के शेयर्स को इन्वेस्ट करते हैं और होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। IPO के शेयर्स को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के क्या फ़ायदे होते हैं। जब भी कंपनी IPO में शेयर्स को इशू करती है तो उसके बाद कंपनी डिविडेंड्स देती है। बहुत टाइम कंपनी बोनस शेयर्स भी इशू करती है और राइट इशू का भी प्रेफरेंस मिलता है। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है आपके लिए, आपके कैटेगरी के हिसाब से। अब दोनों कैटेगरीज में से आपके लिए कौन सा बेटर है हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मैं आपको लेके चलूंगा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट्स की। जब 2008 में जितने भी IPOs लॉन्च हुए थे उस टाइम पर अगर किसी इन्वेस्टर ने बेचे तो उसे प्रॉफिट हुआ 652% का। सिमिलरली 2009 में प्रॉफिट होता है 20.35% का। 2010 में 921.85% का प्रॉफिट उन्होंने दिया है IPOs ने। जैसे कि आप ट्रेंड देख रहे हैं प्रॉफिट्स का उनके शेयर्स को सेल करने पर, तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोई लॉस के चांसेस नहीं है। अगर आपका प्रेडिक्शन करेक्ट है तो आप किसी कंपनी को चूज़ करके उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और लिस्टिंग के टाइम भी बेच सकते हैं। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल किसी भी कंपनी के शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पर क्या होता है। जैसे कि आप पे देख रहे हैं 2008 में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, 2009 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया था और 2010 टू 12 में नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। 2013 में फिर पॉजिटिव रिटर्न्स है, उसके बाद कंटिन्यूसली पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिले हैं। तो अगर हम दोनों की बात करें तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन बेटर कौन सा होगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आपकी जो अमाउंट है, आपका जो असेट है, उसे ज़्यादा देर के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहते, तो IPO में लिस्टिंग के टाइम बेचना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। जब भी कंपनी IPO के तहत शेयर्स को इशू करती है तो उसके लिए कंपनी अंडरराइटर्स को हायर करती है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को हायर करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंपनी के प्रोसेसेस को देखते हैं, उनकी वैल्यूएशंस वगैरह करते हैं और एक फाइनल अमाउंट पर पहुँचते हैं। उसके बाद आता है अंडरराइटर्स। बहुत बार अंडरराइटर्स सेम बैंक्स भी हो सकते हैं और कोई और अंडरराइटर भी हो सकता है। यहाँ पे अंडरराइटर का काम ये होता है कि वो इंश्योर करता है कि अगर किसी कंपनी के 90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं होते हैं तो जो रिमेनिंग शेयर्स हैं वो कंपनी के, वो उस बैंक या वो अंडरराइटर वो सब्सक्राइब करेगा, उस शेयर्स को परचेस करेगा। जब कंपनी IPO लॉन्च करती है तो कंपनी को बहुत सारे एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स को, अंडरराइटर्स को, और बहुत सारे इशूइंग चार्जेस होते हैं जो कि रेगुलेटरी बॉडीज चार्ज करती हैं। सो IPO का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स को और अंडरराइटर्स को ये डर होता है कि अगर कहीं कंपनी के
90% शेयर्स सब्सक्राइब नहीं हुए तो बाकी के शेयर्स उनको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे। तो बहुत सारे कंपनीज के IPO मेजरली आते हैं बुलिश मार्केट में। जब मार्केट का ट्रेंड बुलिश होता है तो कंपनीज के IPO लॉन्च होते हैं, और जब मार्केट बियरिश होता है तो कंपनी के शेयर्स इशू किए जाते हैं उनके वैल्यू के थोड़े से कम प्राइस पे, यानी अंडर वैल्यूड शेयर इशू किए जाते हैं ताकि कोई भी नॉर्मल इन्वेस्टर उसे ले सके और उसे सब्सक्राइब कर सके और कंपनी के पास उसका फंड का पैसा चला जाए। अब हम बात करेंगे IPOs के बेसिक टर्म्स की। अब हम बात करेंगे IPO के टर्म्स की। तो IPO के टर्म्स में सबसे पहला आता है लॉट साइज। तो किसी भी IPO का लॉट साइज जो होता है वो IPO के लॉट को मल्टीप्लाई करते हैं उसके इशू प्राइस से। जो IPO का लॉट है उस लॉट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे ये कंपनी डिसाइड करती है। ये लॉट साइज 13,000 टू 15,000 के बीच में होता है। उसके बाद आता है ऑफर प्राइस। ऑफर प्राइस कंपनी दो तरीके के इश्यू करती है। कंपनी या तो फिक्स प्राइस पर ऑफर कर सकती है या तो एक प्राइस बैंड दे सकती है। फिक्स प्राइस में क्या होगा, आपको एक फिक्स प्राइस होगा जिसमें आपको अप्लाई करना होगा। जब प्राइस बैंड की बात होती है तो उसमें एक रेंज दी जाएगी कि आपको इस प्राइस के और इस प्राइस के बीच में आपको अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद आता है इशू ओपन और इशू क्लोज डेट। अब ये इशू ओपन और इशू क्लोज डेट ये होती है कि जब ऑफर IPO का ऑफर कब तक चालू रहेगा और कब IPO का ऑफर खत्म हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है सब्सक्रिप्शन की। तो सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है कि कंपनी के शेयर्स को कितना सब्सक्रिप्शन मिला है, कितने लोगों ने कंपनी के शेयर को खरीदा है। बहुत बार कंपनी के शेयर्स अंडर सब्सक्राइब होते हैं और बहुत टाइम ओवर सब्सक्राइब भी होते हैं। अंडर सब्सक्राइब मतलब 90% से कम और ओवर सब्सक्राइब मतलब 90% से ज़्यादा। अब बात आती है ग्रेडिंग की। IPO का जो ग्रेडिंग होता है वो रेटिंग एजेंसीज देती है। IPO का ग्रेड होता है 1 to 5 के इन बिटवीन। अगर IPO को 5 स्टार मिले हैं तो IPO इज़ अ गुड IPO। अगर IPO को 1 स्टार या 2 स्टार मिले हैं तो ये IPO रिस्की IPO भी हो सकता है। जब भी कंपनी IPO लॉन्च करती है तो उसे सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को एक प्रॉस्पेक्टस ड्राफ्ट देना पड़ता है जिसमें इंफॉर्मेशन होती है बिजनेस की, उसके प्राइसिंग की, उसके लिस्टिंग की और उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। अगर आपको IPO के बारे में किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको BSE की वेबसाइट पे जाके आप उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंपनी के पब्लिक इशू की जानकारी के लिए आपको BSE की वेबसाइट पे जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन होगा पब्लिक इशू का। यहाँ पे आपको बेसिक सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी सारी कंपनियों ने अपना IPOs इशू किया है, कितनी सारी कंपनी की IPOs लॉस में है, कितनी सारी कंपनियों की IPO प्रॉफिट में है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा लाइव पब्लिक का, लाइव पब्लिक इश्यूज। यहाँ पे सारे के सारे दिखा देते हैं जिस कंपनी के भी IPO इशू होते हैं। तो अब हम एग्जांपल के थ्रू लेंगे। हाई एग्जांपल ले लेते हैं RBL बैंक का। तो अब हम RBL बैंक को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑफर की प्राइस भी दी हुई है और ऑफर कब तक चलेगा ये भी दिया होगा, ऑफर का पीरियड। किसी भी कंपनी के IPO की इन्फॉर्मेशन आप ग्रो की वेबसाइट से या किसी अदर ब्रोकर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है स्टॉक ब्रोकिंग की वेबसाइट पे। जैसे कि यहाँ पे कोई पब्लिक इशू अभी चालू नहीं है तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन दिखा नहीं रहा है। हम देखते हैं रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स के बारे में। अब यहाँ पे उसकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कब से कब तक इसका इशू प्राइस चालू था, कितने प्राइस पे ये लिस्ट हुआ है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए